हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो गाइस यार, स्वागत है हमारे एक नए ब्लॉग में और डेली लाइफस्टाइल ब्लॉग में। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं चौबेपुर के पंडाल में, वहाँ पे हम लोग चलेंगे, कुछ नज़ारा दिखाएंगे। इस टाइम चल रहा है नवरात्रि, नवरात्रि का पांचवा दिन छठवा दिन आज नहीं पता। तो हम लोग चल रहे हैं अपना पंडाल दिखाने के लिए चौबेपुर में, और हम अपने फ्रेंड के साथ साइकिल से चल रहे हैं। यहाँ पर देख सकते हैं साइकिल चला रहा है। तो चलिए चलते हैं, कुछ रूट का सीन दिखा रहे हैं। तो ब्लॉग में बने रहिए, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो गाइस हम लोग के घर से अलाउ नहीं होता है कि रात को ठहरे, हम लोग इसीलिए शाम को ही निकला अपना ब्लॉग बनाने के लिए। और चलिए चलते हैं, कुछ रोड का आप लोग को सीन दिखा रहा हूँ और जो होगा तो दिखाऊंगा। तो आइए आगे ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस जैसा कि देख सकते हैं, ये रोड अभी कुछ महीने में ही टूटने वाला है। चलेंगे आगे, दिखाएंगे आगे, बनना चालू हो गया है। कुछ ही महीने में ये रोड टूट जाएगा और इधर से जाएगा सीधे मुनारी की तरफ, और ये चौबेपुर की तरफ है। हम लोग मुनारी से चौबेपुर चल रहे हैं, और अभी एक दो महीना में ये टूट जाएगा और बनेगा इस पर 4 लेंथ रोड। तो आइए चलते हैं, कुछ दिन बाद आप लोग को वो भी ब्लॉग आएगा। और देख सकते हैं हम लोग इधर ही जा रहे हैं, काफ़ी मस्त, बहुत दूर आ चुके हैं अपने घर से, कम से कम हम लोग 2-3 किलोमीटर आ चुके हैं। देख सकते हैं भाई साइकिल छोड़ा के चला रहा है, और देख सकते हैं हम लोग चौबेपुर की तरफ आ रहे हैं। यहाँ से बनना चालू हो गया है रोड। भाई जो कादीपुर आया वो पहचान नहीं पाएगा, ये कादीपुर का स्टेशन है। यहाँ पे स्टेशन नहीं, जैसे रेलवे क्रॉसिंग है, स्टेशन तो स्टेशन उधर है अभी, यहाँ पे रेलवे क्रॉसिंग है। और यहाँ पे सारा चीज़ चेंज हो चुका है एकदम, कुछ भी पहचान में नहीं आएगा। देख सकते हैं ये है, और सारा रोड तो टूट चुका है, इधर का बन रहा है पूरा एकदम रिंग रोड के टाइप। चलते अच्छे मरते, इधर पूरा मटेरियल रखा है सामान बनाने का, और इधर देख सकते हैं बन रहा है पूरा रिंग रोड टाइप। तो देख सकते हैं चिंतमपुर का रेलवे क्रॉसिंग बन रहा है, यहाँ पे रिंग रोड टाइप पूरा। तो ये चलते हैं आगे, हम लोग को चौबेपुर का सीन दिखाना था जो बन रहा है पंडाल, वहाँ भी हम लोग चल रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस हम लोग चौबेपुर चौराहे पे कुछ पास में आ चुके हैं, तो चलिए चलते हैं पास से आप लोग को दिखाएंगे। यहीं से चालू हुआ है सजने का, अभी बन रहा है इधर का सीन सारा। तो ये चलते हैं आप लोग को कुछ देख सकते हैं, काफी दूर तक सजा है पूरा। गाइस देख सकते हैं यहाँ पे चौबेपुर का पंडाल यही बन रहा है अभी, तो हम लोग चलेंगे कुछ नज़ारे दिखाएंगे आप लोग को वहाँ का, काफी मस्त बन रहा है भाई। तो गाइस जैसा कि आप लोग को बोले थे चौबेपुर का पंडाल दिखाना है, यहाँ पे अभी बन रहा है और आप लोग को कुछ नज़ारा मस्त दिखाऊंगा। चलिए चलते हैं ब्लॉग में बने रहिए। तो गाइस इस मंदिर के आगे नंदी जी बने, अभी इनका मुँह नहीं खुला है। तो गाइस कुछ आप लोग को सीन दिखा दिया हूँ, आई चलते हैं इसके अंदर चलते हैं, कुछ नजर होगा दिखाएंगे आप लोग को। हम लोग इसके अंदर चल रहे हैं, अभी काम चालू इसका बन रहा है, अब भाई बन रहा है ब्रो। यहाँ पे अभी सारा मूर्ति तोपा गया, अभी खुलेगा कुछ दिन बाद। तो ये अपना शेर है, तो देख सकते हैं ये अपना शेर, इसका मुंह ढका हुआ है। तो अभी पूरा बन रहा है, देख सकते हैं गाइस। गाइस इस रोड पे जाएंगे तो उमराह की तरफ चले जाएंगे, और इधर जाएंगे तो सीधे चले जाएंगे गाजीपुर की तरफ, और इधर से चले जाएंगे तो यहाँ पे जाएंगे। और यहाँ पे तो गाइस यहाँ पे रामलीला होता है चौबेपुर का, देख सकते हैं। हम लोग को रात को देखने का नसीब नहीं है, रात को देखने का नसीब नहीं, हम लोग को अलाउ भी नहीं है घर पर रात निकलने का, इसलिए हम लोग सुबह या जैसे शाम को निकले ब्लॉग बनाने के लिए अपने। और यहाँ पर एक मंदिर भी है बगल में, आइए चलते हैं उसके लिए कुछ दर्शन कराएंगे आप लोग को। ये बगल में ही मंदिर है, और यहाँ पे काफ़ी मस्त व्यवस्था है। तो चलिए चलते हैं हम लोग अपने घर, चल रहे हैं भाई, चल रहे हैं घर की तरफ। तो चलिए चलते हैं आज के ब्लॉग में, इतना ही मिलते हैं अगले ब्लॉग में। जय हिंद, वंदे मातरम।